हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। हम लगातार जो है डिस्कस तो करते ही हैं मार्केट की सिचुएशन, लेकिन साथ में हम दोस्तों ये भी देखेंगे कि आखिरकार मार्केट की जो अमेरिकन मार्केट की जो है सिचुएशन फिलहाल के समय पर क्या दिखाई दे रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि कुछ खबरें जो हैं निकल कर आ रही हैं कुछ पर्टिकुलर सोर्सेस की तरफ से, अगर हम देखें तो उन खबरों का जो रिएक्शन है कल मार्केट पर किस तरीके का पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कौन कौन से शेयर्स इन खबरों के दम पर कल तेजी दिखा सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। यहाँ देखो, डाउ जोन्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो आपको डाउ जोन्स फिलहाल गिरावट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिखाई तो गिरावट में ही दे रहा है, लगभग लगभग आधे परसेंट की जो है गिरावट आपको दिखाई दे रही है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। ठीक है, लेकिन अगर हम डाउ जोन्स के बाद नैस्डैक की तरफ चलें कि यहाँ सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, तो वो देखो आप, नैस्डैक आपको हल्की फुल्की तेजी में दिखाई दे रहा है लगभग। वैसे तो इसे तेजी भी आप क्या ही बोलोगे, वैसे इसे फ्लैट ही बोले जाना चाहिए। ठीक है, तो डाउ जोन्स एंड नैस्डैक की दोनों की सिचुएशन जो है आपने देख ली। अब अगर हम आगे बढ़े एंड चले भारतीय शेयर्स के ऊपर, तो मैं इन्फोसिस आपके सामने रख रहा हूँ। इन्फोसिस में आपको दिखाई दे रही है लगभग आधे परसेंट की गिरावट। ठीक है, विप्रो का क्या हालात है, विप्रो में भी देख लो, यहाँ पर लगभग आधे परसेंट की तेजी। मतलब हर एक शेयर की डायरेक्शन अलग ही चल रही है, नैस्डैक की अलग है, डाउ जोन्स की अलग है, वहीं इन्फोसिस की अलग है, विप्रो की अलग है। दोनों ही जबकि एक ही सेक्टर के हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्शन अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं एंड HDFC बैंक देख लेते हैं एक बार कि यहाँ सिचुएशन क्या है। वैसे तो अब HDFC बैंक को तो मन भी नहीं करता देखने के लिए कि इसमें कुछ है ही नहीं देखने लायक, लेकिन फिर भी यहाँ अगर हम देखें HDFC बैंक आपको दिखाई दे रहा है हल्की फुल्की गिरावट में, लेकिन मामूली गिरावट में, कोई खास आप यह गिरावट नहीं कह सकते। तो ये सिचुएशन है अमेरिकन मार्केट की। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा था ना कि एक खबर निकल कर आई है, जो खबर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए भारतीय मार्केट के लिए अच्छी हो सकती है। अब वो खबर क्या है पहले वही देख लेते हैं। ये देखो, राजनाथ सिंह टेक्स चार्ज एज ए यूनियन मिनिस्टर बैट फॉर डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ अगर हम देखें, राजनाथ सिंह ने डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कार्यभार है उसे संभाल लिया है, एंड मतलब कार्यभार संभालते हुए ही इन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। इन्होंने क्या कहा है, बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि भारत को हम डिफेंस के क्षेत्र में ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि भारत की जो इक्विपमेंट है, जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट है, उनके लिए हमें किसी दूसरे पर रिलाय करना ही ना पड़े, कम्प्लीटली भारत जो है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर पाए। लेकिन इस पूरे बयान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, ये तो है ही, इन्होंने कहा है कि सेल्फ रिलायंस बनेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है वो ये है कि हम अपने लिए चीज़ें तो बनाएंगे, इक्विपमेंट बनाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम इतना मैन्युफैक्चर करेंगे कि दुनिया भर में भी एक्सपोर्ट कर पाए, एंड डिफेंस के क्षेत्र में दुनिया भर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर ये दिखाई देंगे। इन्होंने ये बात कही है, आज डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात जो है निकल कर आई है। एंड जैसे ही ये बयान निकल कर आया, मार्केट ना क्लोज होने ही वाला था बेसिकली जब ये बयान निकल कर आया, एंड जैसे ही बयान आया उसके बाद मार्केट में हलचल भी हुई, डिफेंस के शेयर में भी हलचल देखने को मिली। एंड अब आप ये मान के चलिए कि ये पूरे जो शेयर हैं कल के लिए एक बेहतरीन तेजी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ये खबर निकल कर आई है ना डिफेंस के शेयर्स के रिलेटेड, ये अपने आप में बहुत ही तगड़ी खबर है। एंड इसका जो फ़र्क है वो ज़रूर पड़ेगा मार्केट पर, डिफेंस के शेयर पर डेफिनेटली आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो डिफेंस शेयर्स अपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ही हैं। पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा है डिफेंस के शेयर गिरते नहीं हैं, मार्केट के रिजल्ट वाले मतलब इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि आप एक बहुत बड़ा मौका हम लोगों से मिस हो गया, ये मानो उस दिन 25-25% गिरे थे, बहुत बड़ा बहुत तगड़ा मौका जो है मिस हो गया उस दिन डेफिनेटली। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे तो हम बदल सकते नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो शेयर हैं डिफेंस के शेयर्स हैं आगे भी चलेंगे। लेकिन कल के लिए जो शेयर्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसमें डिफेंस ही है सबसे पहले भी अगर हम देखें तो। HAL अगर आप देखोगे तो डिफेंस की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो है
आपको HAL का ही नाम सुनाई देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौता यही डिफेंस का शेयर है। इस सेक्टर में बढ़िया शेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि एरोस्पेस से जुड़ी हुई चीज़ें आपको इसी, मतलब जितने भी इक्विपमेंट एरोस्पेस से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर आपको यहीं बनते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है भी यही, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भी यही, तो इस पर तो हमेशा ही असर रहता है। आज भी जब बयान निकल कर आया उसके बाद जब तेजी का माहौल बना, HAL एक बेहतरीन तेजी भी दिखा कर गया। आपने देखा एक अच्छी खासी तेजी HAL में देखने को मिली, और कल भी भागेगा ये शेयर, ये भी चांसेस हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर हम चले BEL की तरफ, तो दोस्तों BEL भी एक ऐसा काउंटर है जिस पर डेफिनेटली आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट HAL है उतना इम्पोर्टेंट BEL भी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो BEL के थ्रू ही होती है, तो BEL भी कोई ऐसा मामूली शेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर भी है एंड चल भी रहा है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे तो इसने रिटर्न भी जो है तगड़े बना कर दिए हैं, तो इस शेयर को तो आपको डेफिनेटली रेडार पर रखना ही है। HLBL तो हो गया। अगर हम आगे चलें दोस्तों डिफेंस के ही क्षेत्र में, तो मझगांव डॉक बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन ये शेयर चलता ही रहता है। 6% देखो आज भी भागा। मझगांव डॉक को भी आपको नहीं छोड़ना है। ये शेयर अगर आप देखोगे ना कंपैरेटिवली सबसे सस्ता है, भले ही इसने रिटर्न सबसे ज़्यादा दिए लेकिन सबसे सस्ता शेयर है, सिर्फ 33 के पी मल्टीपल पर, जहाँ आपको HLBL दिखाई देंगे 50-50 के पी मल्टीपल के आसपास, लेकिन ये शेयर आपको सिर्फ 33 के पी मल्टीपल पर दिखाई देता है। तो इस पर तो डेफिनेटली आपको जो है नज़र बनाकर रखनी ही रखनी है। ठीक है, मझगांव हो गया। कोचिन देखो, कोचिन शिप बिल्डिंग यार्ड अगर हम देखें, ये भी सब डिफेंस के शेयर आज भागे, और ये शेयर कल भी भागने को पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इन पर यार ये शेयर्स ना आपको एक वॉच लिस्ट में रख लेने चाहिए। ये शेयर एक वॉच लिस्ट में लगा कर रखो, जब भी मौका मिले इन्हें खरीद ही लो, वही ज़्यादा बेटर है। आप ये मान के चलिए जब जब मौका मिले इन शेयर्स में, तब तो इनमें पोजिशन बनाने के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, कोचिन हो गया। अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो गार्डन रीच देख लीजिए। गार्डन रीच भी देखो 12% भाग गया, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया, ये तो 12% भाग गया। तो ये शेयर्स कल जब मार्केट खुलेगा ना तो भी आपको एक्शन में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कल ये शेयर चल नहीं रहे होंगे या एक्शन ना, फुल टॉस एक्शन में जो आपको कल भी देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ आपकी जो है नज़र ज़रूर ही बनी रहनी चाहिए। एंड इतने शेयर मैंने बताए वो तो ठीक है, आपको इनके अलावा जो डिफेंस के शेयर दिखाई दें उन सब पर, एंड एक और शेयर टाटा कम्युनिकेशन, इस पर भी आप जो नज़र बना कर रखें, इसके लिए भी एक अच्छी खबर निकल कर आई थी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।